वैसे जो भी हो, स्कूल लाइफ की अपनी इम्पोर्टेंस और वैल्यू हुआ करती है, और ये स्कूल लाइफ ही फ्यूचर को डायरेक्शन देने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और जैसे ही 12वीं क्लास पास हो जाती है, वैसे ही एक अचीवमेंट का फील तो आता ही है, लेकिन साथ ही आगे की फिक्र भी हमें सताने लगती है कि अब आगे क्या होगा, कौन सा कोर्स किया जाए, किस पे स्कोप ज्यादा होगा, और किस कोर्स को करने के बाद एक सिक्योर जॉब हमें मिल सकती है। और ऐसे ही बहुत सारे सवालों का सामना हर दिन होता है, लेकिन सवालों से बाहर निकलकर परफॉर्म तो हर स्टूडेंट को करना ही पड़ता है। और ऐसे स्टूडेंट ज्यादा बेहतर फ्यूचर तैयार कर पाते हैं जो बिना किसी के प्रभाव में आए अपने इंटरेस्ट के बेस पर रिसर्च करके बेस्ट कोर्स का ऑप्शन चूज करते हैं। और हम चाहते हैं कि आप एक क्विक सपोर्ट से जुड़े हुए, तो आप में से हर स्टूडेंट ऐसा ही करे ताकि आपका सबका ब्राइट फ्यूचर बन सके। और इसी टफ टास्क में आपकी हेल्प करने के लिए हमने आज ये वीडियो बनाया है, जिसमें हम आपको ऐसे टॉप 10 कोर्सेज के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें आप 12th आर्ट्स के बाद कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं 12th आर्ट्स कम्प्लीट कर लेने के बाद किए जा सकने वाले बेस्ट कोर्सेज के बारे में। नंबर एक पर है बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि बीए। 12th आर्ट्स के बाद किया जाने वाला सबसे कॉमन कोर्स बीए डिग्री कोर्स ही होता है, जो 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। इस कोर्स को फुल टाइम, पार्ट टाइम और डिस्टेंस एजुकेशन मोड में भी किया जा सकता है। ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स के बीच बीए बहुत ही पॉपुलर कोर्स है और इसके अंडर बहुत से स्पेशलाइजेशन आते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, फिलोसफी, सोशोलॉजी, आर्कियोलॉजी, कम्युनिकेशन स्टडीज, डिफरेंट लैंग्वेजेस जैसे इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, स्पेनिश एटसेट्रा। इस कोर्स को करने के बाद आप एमए या बीएड जैसी डिग्री भी ले सकते हैं और ग्रेजुएट होने की वजह से गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए एलिजिबल भी हो सकते हैं। एक बीए ग्रेजुएट को मिलने वाली एवरेज सैलरी 4 लाख पर एनम तक हो सकती है, जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स पर बहुत हद तक डिपेंड करती है। नंबर दो पर है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स यानी कि बीएफए। अगर आप आर्टिस्ट बनने में इंटरेस्टेड हो तो बीएफए कोर्स आपके लिए सूटेबल रहेगा, क्योंकि अगर आप आर्ट, स्कल्पटिंग या फोटोग्राफी में अच्छे हो तो आप ये 3 साल का डिग्री कोर्स कर सकते हैं, और आप चाहे तो परफॉर्मिंग आर्ट्स में स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं ताकि म्यूजिक, डांस और थिएटर में अपना करियर बना सके। ये डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप एनिमेशन, ड्राइंग, फिल्म प्रोडक्शन जैसे बहुत सारे फील्ड में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पा सकते हैं और फाइन आर्टिस्ट, क्राफ्ट आर्टिस्ट, आर्ट टीचर जैसे जॉब रोल्स में भी फिट बैठ सकते हैं। एक बीएफए ग्रेजुएट को मिलने वाली एवरेज एनुअल सैलरी 2.5 से 3 लाख रुपए हो सकती है। अब बात करते हैं नंबर 3 पर, जो है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि बीबीए। अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं और आपका इंटरेस्ट मैनेजेरियल करियर्स में है तो आप बीबीए कोर्स कर सकते हैं। इस 3 साल के डिग्री कोर्स में आप बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करेंगे और इसमें शामिल फाइनेंस, अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ऑपरेशंस और मार्केटिंग की नॉलेज भी ले पाएंगे। ये कोर्स कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट भी कर सकते हैं। बीबीए के बाद आप एमबीए कर सकते हैं और बैंकिंग, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एस्टेट मैनेजमेंट, बिजनेस कंसल्टेंसीज, मैन्युफैक्चरिंग और गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। एक बीबीए ग्रेजुएट को एवरेज 3 से 5 लाख पर एनम सैलरी मिल सकती है। नंबर 4 पर है बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ लॉ यानी कि BA LLB। ऐसे स्टूडेंट जिन्हें लॉ में करियर बनाना हो, उन्हें 12th आर्ट्स के बाद BA LLB डिग्री कोर्स करना चाहिए। ये 5 साल का इंटीग्रेटेड लॉ डिग्री कोर्स होता है, जिसमें आप इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी जैसे आर्ट सब्जेक्ट के साथ सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, टैक्स लॉ, पेटेंट लॉ, कॉर्पोरेट लॉ जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट की भी पढ़ाई कर सकते हैं। ये डिग्री लेने के बाद आप लॉयर, एडवोकेट, लीगल एडवाइजर जैसी पोजीशंस पर काम कर सकते हैं। BA LLB के बाद मिलने वाली एवरेज सैलरी 3 से 6 लाख पर एनम तक हो सकती है। नंबर 5 पर आता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि BCA। अगर आप सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हो तो आपके लिए BCA कोर्स बेस्ट चॉइस हो सकता है, क्योंकि 3 साल का ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स आपको IT इंडस्ट्री में हाई पेइंग करियर दिला सकता है। इस कोर्स को करने के बाद आप सॉफ्टवेयर डेवलपर, एप्लीकेशन डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और ब्लॉकचेन डेवलपर जैसे करियर्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और BCA के बाद MCA करके आप अपने करियर को ग्रेट हाइट पर ले जा सकते हैं। एक BCA ग्रेजुएट को मिलने वाली सैलरी की बात की जाए तो 3 से 6 लाख पर एनम तक हो सकती है। अब आता है नंबर 6 पर बैचलर ऑफ मास मीडिया यानी कि BMM। मीडिया जो है ना, वो इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज में से एक है, और अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्टेड है तो BMM डिग्री आपको ग्रेट करियर ऑप्शंस प्रोवाइड करा सकती है, क्योंकि इस 3 साल के डिग्री कोर्स को करने के बाद आप रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन और इंटरनेट जैसे मास मीडिया का हिस्सा बन सकते हैं। BMM करने के बाद आप जर्नलिस्ट, कॉन्टेंट राइटर, इवेंट मैनेजर,
साउंड इंजीनियर, न्यूज एंकर, फोटोग्राफर और एडिटर जैसी पोजीशंस तक पहुंच सकते हैं। एक BMM ग्रेजुएट 3 से 5 लाख पर एनम सैलरी अर्न कर सकता है और इस फील्ड में अच्छा परफॉर्म करके इस अमाउंट को तेजी से इंक्रीज भी कर सकता है। वैसे अब चाहे तो 3 साल की ड्यूरेशन का बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन यानी कि BJMC कोर्स भी कर सकते हैं और 3 साल की ड्यूरेशन का बैचलर ऑफ जर्नलिज्म BJ कोर्स भी कर सकते हैं। अब आता है नंबर 7 पर बैचलर ऑफ डिजाइन यानी कि BDES। डिजाइनिंग में करियर बनाने का इरादा रखने वाले स्टूडेंट्स बैचलर ऑफ डिजाइन कोर्स कर सकते हैं। वैसे पहले ये कोर्स केवल फैशन डिजाइनिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग और इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड हुआ करता था, लेकिन अब इसमें स्टूडेंट्स को स्पेशलाइजेशन ऑप्शंस जैसे मल्टीमीडिया डिजाइन, वेब डिजाइन, गेम डिजाइन और VFX डिजाइन के ऑफर भी किए जाते हैं। इस 4 साल की ड्यूरेशन के डिग्री कोर्स को करने के बाद आप फैशन डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर, आर्ट डायरेक्टर, प्रोडक्ट डिजाइनर, UI या UX डिजाइनर और ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर अपना करियर शुरू कर सकते हैं। बैचलर ऑफ डिजाइन स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग एक ग्रेजुएट को मिलने वाली एवरेज सैलरी 2 से 3 लाख पर एनम से शुरू हो सकती है। नंबर 8 पर आता है बैचलर ऑफ सोशल वर्क यानी कि BSW। अगर आप सोशल वर्क में प्रोफेशनल डिग्री लेना चाहते हैं तो BSW डिग्री ले सकते हैं। ये 3 साल का डिग्री कोर्स होता है जिसे करने के बाद आप सोशल वर्कर के तौर पर वर्क करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इस डिग्री कोर्स को करने के बाद आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी काम कर सकते हैं और अगर आप अपने काम में अच्छे होंगे तो सोशल वर्कर और सोशल एजुकेटर के तौर पर आपको अच्छी सैलरी ऑफर की जा सकती है, क्योंकि BSW कर चुके सोशल वर्कर की एवरेज बेस सैलरी 4 लाख पर एनम तक हो सकती है। और अब आता है नंबर 9 पर बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट यानी कि BHM। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इंडिया की एक इम्पॉर्टेंट और ग्रोइंग इंडस्ट्री है जिसमें वर्क करने के लिए आप BHM डिग्री कोर्स कर सकते हैं। इस 3 साल के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप अपने इंटरेस्ट और स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग शेफ, फ्रंट डेस्क ऑफिसर, अकाउंटिंग मैनेजर, केटरिंग ऑफिसर, ऐसी बहुत सारी पोजीशंस पर वर्क कर सकते हैं। BHM के बाद आप MHM और MBA जैसे कोर्सेज करके अपनी पोजीशन इम्प्रूव भी कर सकते हैं। एक BHM ग्रेजुएट 3 से 6 लाख पर एनम सैलरी पैकेज अर्न कर सकता है। और अब आखिरी में नंबर 10 पर है बैचलर ऑफ आर्ट्स इन डिजिटल फिल्म मेकिंग एंड एनिमेशन। 3 साल की ड्यूरेशन का अंडर ग्रेजुएट एनिमेशन कोर्स है जो फिल्म मेकिंग और एनिमेशन के कॉन्सेप्ट को कवर करता है। ये कोर्स ऐसे स्टूडेंट के लिए सूटेबल होता है जो मीडिया, फिल्म मेकिंग, शूटिंग, एक्टिंग और प्रोड्यूसिंग जैसे फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं और ब्रॉडकास्ट मीडिया और फिल्म मेकिंग में करियर बनाना चाहते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप प्रिंट मीडिया, फैशन एंड इंटीरियर्स फोटोग्राफी, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग में भी जॉब पा सकते हैं। डिजिटल फिल्म मेकिंग एंड एनिमेशन में ग्रेजुएट हो चुके कैंडिडेट को शुरुआत में 2.5 से 3 लाख पर एनम सैलरी मिल सकती है, जो फील्ड के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा भी हो सकती है। तो इन 10 पॉपुलर डिग्री कोर्सेज के अलावा 12th आर्ट्स के बाद आप डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं और ऐसे कुछ डिप्लोमा कोर्सेज हैं: डिप्लोमा इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन फिल्म मेकिंग एंड वीडियो एडिटिंग, एयर होस्टेस और कैबिन क्रू ट्रेनिंग कोर्स, डिप्लोमा इन एजुकेशन, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन BPO फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, डिप्लोमा इन क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, डिप्लोमा इन टूरिज्म स्टडीज और ऐसे बहुत सारे ऑप्शन। और इस तरीके से 12th क्लास आर्ट्स स्ट्रीम से क्लियर कर लेने के बाद आपके लिए बहुत से डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज के ऑप्शंस उपलब्ध होते हैं और उनमें से 10 पॉपुलर कोर्सेज के बारे में हमने इस वीडियो में जानकारी ली है। अगर आपका फेवरेट कोर्स इस लिस्ट में शामिल नहीं हुआ है तो बिल्कुल भी अपसेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 12th आर्ट्स के बाद ढेर सारे कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं जिनमें से आपको अपने अकॉर्डिंग परफेक्ट कोर्स को चूज करना है। तो ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। अगला आपका कौन सा सवाल है वो भी बताइएगा और साथ ही क्विक सपोर्ट के साथ अपना सपोर्ट हमेशा यूं ही बनाए रखिए और आगे भी जानकारियां आपको हमेशा यूं ही मिलती रहे उसके लिए वही लाइन है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी जानकारी कभी भी मिस ना करे। रूबी मिलेगी अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपसे यही कहूंगी, धन्यवाद।